ओम, जिसका रहस्य दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। ओम को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र शब्द माना गया है, मगर वैज्ञानिक भी ओम की अद्भुत शक्तियों से हैरान है और वह इसकी खोज में लगे हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे ओम की शक्ति के बारे में व इसकी सही उच्चारण विधि के बारे में। ओम एक ऐसा शब्द है जो हमें परमात्मा से मिलाता है, पर क्या सच में ओम के उच्चारण से बड़ा डिप्रेशन भी खत्म हो जाता है? अगर हम हिंदू धर्म के अनुसार माने तो ओम एक ऐसा शब्द है जो पृथ्वी की उत्पत्ति का स्रोत है, अर्थात इसी से सारी सृष्टि की रचना हुई है। माना जाता है कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सबसे पहली ध्वनि ओम की ही थी। ओम का महत्व धर्म व विज्ञान दोनों के आधार से बहुत महत्वपूर्ण है और अब आधुनिक काल में वैज्ञानिक भी इसकी खोज में लगे हुए हैं और केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है तब उसका असर शरीर पर बिल्कुल एक चमत्कार की भांति प्रतीत होता है। भारत में और यहाँ तक कि कई विदेशी यूनिवर्सिटीज ने भी इस पर कई शोध किए, जहाँ दो टीमें बनाई गई जिसमें एक टीम में वे लोग थे जो सुबह ओम का उच्चारण करके अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते थे और दूसरी टीम में वे लोग थे जो बिना ओम के उच्चारण के अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते थे। इसके परिणाम स्वरूप यह देखा गया कि ओम के उच्चारण करने वाले लोगों का मस्तिष्क अधिक फोकस्ड था, उनके उच्चारण से उनकी कई छोटी बीमारियां खत्म हो गई। केवल ओम के उच्चारण से वहाँ के लोगों का डिप्रेशन बिल्कुल चमत्कार की तरह खत्म हो गया और जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ओम का उच्चारण करते थे उनके शरीर के अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा थी। इससे न केवल डिप्रेशन खत्म होता है बल्कि व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग भी आती है। और ओम की शक्ति का सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि जब सूर्य से आने वाली ध्वनि पर रिसर्च की गई तो वह बिल्कुल ओम के उच्चारण की तरह थी, और जब जल पर इसकी ध्वनि का प्रभाव डाला गया तो की आकृति बाकी ध्वनियों से बिल्कुल अलग थी। ओम की आकृति बिल्कुल हिंदू धर्म में बताए गए श्री यंत्र के जैसी थी। केवल ओम के प्रभाव से यह आकृति बनती है, इसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। लेकिन इसके उच्चारण की सही विधि अब हम आपको बताते हैं। इसका उच्चारण आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय योग मुद्रा में सीधे बैठकर अपने माथे के मध्य बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करके ओम की ध्वनि को लंबा खींचना होगा। ओम।